आलम इस्लाम और ख़िलाफ़त आमजिया के मौजू पर कुछ करना है अल्लाह ताला के वादों के मुताबिक रसूल सल्ला वसल्लम की वफ़ात के बाद आलम इस्लाम को खिलाफत रास्ता की सूरत में वो अज़ीम नेमत अता की गई जिसने दुनिया में एक इनकलाब बरपा कर दिया और मुसलमानों ने न सिर्फ़ रूहानी बल्कि दुनियावी लिहाज से भी तरक्यात के ऐसे नए संगे मील अबूर किए जिनकी इससे पहले तरीके आलम में मसाल नहीं मिलती ये आलम इस्लाम का पहला दौर था आलम इस्लाम के इस आखिरी दौर और आखिरी ज़माना के लिए भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आज़रत सेश फरमाई थी कि तुम में नबूत रहेगी और फिर खिलाफत लाहाज नबूा कायम होगी फिर ईद साह बादशाह उसकी जगह ले लेगी और फिर जाबिर बादशाह कायम होगी और फिर खिलाफत अलाज नबू का क्याम होगा इस हदीस में रसूल सल्ला वम ने इमाम महदी और मसीह इस्लाम और इनके बाद कायम होने वाली खिलाफत का जिक्र फ़रमाया जिसका असल मकसद ईमान को दिलों में दोबारा कायम करना और इस्लाम को आलमगीर गलबाता करना है नज़रत मसीह माऊद सात ने न सिर्फ ख़ुद इस्लाम की नश्त सानिया की इस तम रेजी का आगाज़ फरमाया बल्कि अपने बाद उन पाक वजूदों का भी जिक्र फरमा दिया जिन्होंने क्यामत तक इस मिशन की तकमील के लिए कोशां रहना था और इस्लाम की खोई हुई इज्जत और अजमत को अक्सर नौ दुनिया में कायम करना था चुनाचे आप फरमाते हैं मैं खुदा के एक मुजस्म कुदरत हूँ और मेरे बाद बाद और वजूद होंगे जो दूसरी कुदरत का मदर होंगे सो तुम खुदा की कुदरत कुदरतानी के इंतज़ार में इकट्ठे होकर दुआ करते रहो फिर अपने बाद आने वाले इन पाक वजूदों के मिशन का तस्करा करते हुए ये भी फरमाया खुदा तला चाहता है कि उन तमाम रूहों को जो ज़मीन की मुतफरक आबादियों में आबाद हैं क्या यूरोप और क्या एशिया उन सबको जो नेक फ तकते हैं तोहद की तरफ खींचे और अपने बंदों को दीने व पर जमा करे यही खुदा तला का मकसद है जिसके लिए मैं दुनिया में भेजा गया सत्ताईस मई 1908 को जमात अहमदिया इस सानिया के बरकत दायमी दौर में दाखिल हो गई और आज अल्लाह के फजल से 113 साल की तारीख गवाह है ये खिलाफत अहमदिया इन तमाम बरकतों और हमतों का मरक़ बनते हुए न सिर्फ आलम आहमदीत बल्कि तमाम आलम इस्लाम और तमाम दुनिया की दीनी और दुनियावी फ्लाहो बहूद के लिए दिन रात कोशा है आज दुनिया के दो सौ तेरह ममालक में फैली हुई जमात आमदिया खिलाफत आमदिया की इन बराकात की जिंदा गवाह है जहाँ दुनिया की मुख्त ज़बानों में कुरान करीम के तराजम की इशात का काम जारी व सारी है वहाँ ज़मीन के किनारों तक हर शहर और हर बस्ती में आमदिया मसाजिद का एक जाल बिछा हुआ है और नई तमीर का काम भी मुसलसल जारी है और फिर जमात अहमदिया में ऐसा भरपूर माली निज़ाम और सिस्टम जारी है जिसकी दुनिया के तमाम माली निज़ामों में कोई मिसाल नहीं मिलती फिर खिलाफत अहमदिया की सरप्रस्ती में आज सारी दुनिया में मुख्तिस ज़बानों में बड़े वसी पैमाना पर कुतब और लटरेचर की अशात का काम जारी है लखूख खा की तादाद में ये लटरेचर हर साल शाया हो रहा है और इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए खूखा लोगों तक इस्लाम इसला, इस्लाम का पैगाम पहुंच रहा है सबसे बढ़कर ये कि हजूर अनवर ईदा तला बिन रसल अजीज के रूपवर खुतबात और खतबात में इस्लाम में एक अजीम पर पा कर रहे हैं ये खुतबात सारी दुनिया में मुख्तफ ज़बानों में सुने जाते हैं एम टी ए के मुख्त चैनल पर मुख्त ज़बानों में तर्जमा के साथ नशर होते हैं एम टी ए अफ्रीका पर अफ्रीका की मुख्त ज़बानों में नशर होते हैं अफ्रीका के जमाती और दूसरे रेडियो स्टेशन पर बहुत सी जबानों में तर्जमा के साथ नशर होते हैं मुख्तु महलक ने अपनी अपनी वेबसाइट बनाई हुई हैं इन पर इन इन ममालिकी जबानों में अपलोड किए जाते हैं खलीफातमसी की आवाज़ सारी दुनिया तक पहुंचाने के लिए आज एक ऐसा निज़ाम जारी है जिसकी तरीके आलम में और आलम असलाह में कोई नजीर नहीं मिलती इन खुतबात से जहां अफराद जमात की ज़िंदगियां संवरती हैं और ईमानों को जला मिलती है और एक रूहानी मायदा का सामान मुहैया करते हैं वहाँ गैर भी इन खुतबात से फैस पाते हैं और जहाँ उनके आमजियत में दाखिल होने का मूजब बनते हैं वहाँ उनकी ज़िंदगी में एक अदीम इनकलाब बर्पा होता है गिनी बसाओ से मबलिकन चार्ज साहब लिखते हैं कि एक दोस्त उस्मान बांडे साहब आमजेद के मुखालिफ थे उनके बाद रिश्तेदारों ने अमजियद कबूल की तो ये बाद मोर्यों को इकट्ठा करके अपने साथ ले आए उन्हें कहा गया कि आप बेशक जमात की मखालफत करें लेकिन एक दिन आकर हमारा पैगाम तो सुन लें फिर जो चाहे मर्जी करें चाहिए जुमा के दिन आए और उस वक्त हुजूर अमर का खुतबा जुमा बर रास्त एम टी ए पर आ रहा था उनको कहा कि अगर आपके पास वक्त हो तो कुछ देर खुतबा ज़रूर सुने कहने लगे मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए खुतबा सुनूँगा लेकिन जब सुनना शुरू किया तो वक्त भूल गए और बड़े गौर से सारा खुतबा सुना जब खुतबा ख़त्म हुआ तो कहने लगे कि जमात अमदिया काफर नहीं हो सकती आपके खलीफा तो आजरत सल्ला वसम के सहाबा की सीरत पेश कर रहे हैं कोई काफी जमात ये काम नहीं कर सकती इसके बाद उन्होंने अपनी तमाम फैमिली के साथ अहमदियत कबूल कर ली और अब वो अपने इलाका में आमदियत की तब्ली कर रहे हैं खिलाफते आमदिया, हजरत अमीर साहब कांगो का बयान करते हैं कि एक गाँव में तबलीग के दौरान हजूर अनवर ये तलाज का आडियो खुतबा संवाया गया इस खुतबा को सुनकर पांच खानदान आमदियत में दाखिल हुए और वो कहने लगे कि सुन्नी इमामों ने बहुत जोर शोर से बताया था कि आमदी काफिर हैं लेकिन खरीफतलमसी का आज का खुतबा सुनकर हमें यकीन हो गया है कि आमदी हक पर हैं और हमदी सच्चे हैं आज हम अल्लाह ताला से अपने सबक अमलों पर माफ़ी मांगते हैं कोंगो किन किनशासा के सूबा कसाई के शहर ईलेबू का वाक़ है यहाँ पर बाद गैर अमदियों ने आपस में मिलकर मनज़म तौर पर जमात की मखालफत का आगाज किया एक दिन उनमें से एक मुखालिफ ने मिशन हाउस से रबता किया कि वो अपनी सारी फैमिली के साथ जमात में शामिल होना चाहते हैं उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि एक दिन मेरी बीवी चैनल तलाश कर रही थी तो आपका चैनल एम टी ए लग गया उस वक़्त खलीफतुलमसी का खुतबा जुमा आ रहा था मैंने वो सारा खुतबा सुना तो मुझे यकीन हो गया कि आज खलीफुलमसी की आवाज़ जो मेरे कानों में पड़ी है यही इस्लाम की हकीकी और सच्ची तस्वीर है और खलीफा को सुनने के बाद जमात की सच्चाई में मुझे कोई शक नहीं रह गया चुनाचे मैंने फैमिली के साथ बैठ कर ली बेशक हजूरी अनवर के खुतबात जुम्मा और खिताबात एक इनकला बरपा कर रहे हैं मिशनरी मोहम्मद एफ़ शीशे साहब ने बताया कि हमने अपने रीजन में अस्सी गैर हमदिया बाप को हजूर अनमर का खुतबा सुनाने का इंतजाम किया उनमें से साठ अफराद ने खुतब सुनने के बाद बैद कर ली और अहमदियत में दाखिल हो गए जो लोग दूसरे मुख्तलफ मजहब से खिलाफत अहमदिया के गोश में आ रहे हैं उनमें अहमदियत कबूल करने के बाद हजूर अनवर के रूह पर कल मात से एक पाक तब्दीली पैदा हो रही है उनको एक सच्चा और हकीकी मुसलमान बना रही है उनके अंदर की बुराइयाँ बरसों पुरानी लगवियात दम तोड़ रही हैं उनके अंदर एक रूहानी इंकलाब पैदा हो रहा है ऐसा इनकलाब जो सिर्फ़ सच्चों को ही नसीब हुआ करता है मुलक सेंट्रल अफ्रीका के एक नब्बाए मापोका उमर साहेब ने एक तबलीगी मजलिस में जेर तबलीग लोगों को मुखातब होकर कहा कि आज मैं अपने आप को आमजद की सच्चाई के लिए गवाह के तौर पर पेश करना चाहता हूँ मैं जब से आमदी हुआ हूँ मेरे अंदर बहुत तब्दीली आई है पहले मैं जिन्नों, बूतों और जादू टोने का कायल था और अब मैं तमाम फजूलिया से बाहर निकल चुका हूँ मैं खुदा को गवाह बनाकर कर कहता हूँ कि हजरत अक्दस मसीह माऊदात वसलाम खुदा के सच्चे मामूर हैं अगर मैं आप लोगों के सामने झूठ बोलूँ तो क्या मत के दिन खुदा तला मुझे जहन्नम की आग में डाले कितना मजबूत ईमान इस नोम बाई को नसीब हुआ कांगो से एक दोस्त इसमेल साहेब बयान करते हैं मैं कैथोलिक ईसाई था और मुझे चर्च में इबादत करने से सुकून नहीं मिलता था जब से मैं बेहद करके इस्लाम आमदियत में दाखिल हुआ हूँ मेरी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है पहले मैं बहुत झगड़ालू था और कसरत से शराब नोशी किया करता था और साल में एक आज मरतबा ही इबादत करता था लेकिन अब मैं अल्लाह के फजल से दिन में पाँच मरतबा नमाज पढ़ता हूँ फ्रांस गाना में ईसाई खतून लिंडा डिलारे साहबा ने जब बैत की तो अपने ख्याल का अहार इस तरह किया कि मैं मतदद चर्चों में गई हूँ लेकिन मुझे कहीं भी दिली सुकून नहीं मिला मुझे जिंदा खुदा की तलाश थी और अब अमजियत कबूल करने के बाद मुझे मेरा खुदा मिल गया मुझे एक राहत और सुकून और इतमान हासिल हुआ है मेरी ज़िंदगी में एक इनकलाब आ गया है और मैं नमाज़ और कुरान की तलाव से एक लज्जत पाती हूँ मेरा दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज हो गया है यह है वो पाक तब्दीली जो आज खिलाफत हमजे के जरिए पैदा हो रही है और खुदाए वाहद की इबादत करने वाले जन्म ले रहे हैं अपने तो अपने अब तो गैर भी इस बात की गवाही देते हैं कि आमदियत लोगों की जिंदगियों में एक इनकलाब बर्पा कर रही है श्यांगा रीजन तंरानिया के रीजनल कमिश्नर ने कहा मुझे पता है कि शांगा के लोग ज़्यादातर बेदीन हैं लेकिन इसके बावजूद ये लोग आमदियत के पैगाम से मुतासर हो रहे हैं और मैंने देखा है कि आमदियत कबूल करने के बाद इनमें एक नेक रूहानी तब्दीली आ रही है इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि शाह के, के तमाम लोगों तक आपका आहदर्द का पैगाम पहुंच जाए क्योंकि जो दीन आप सिखा रहे हैं उससे लोग महजब बन रहे हैं और इसके नतीजा में जराम की शरह में कमी आ रही है यही वो मकसद था जो हजरत अकदस मसीह माउद असल्लाम लेकर आए थे कि लोग तोहैद की तरफ खींचे जाएं और बंदों को दीन वाह पर जमा किया जाए बस ये है वो इनकलाब जो मखलूक़ ख़ुदा को दुनियावी लाइशों से पाक करके अपने रब से मिला रहा है बैनन में एक मस्जिद के अफ्ताह के मौका पर जमात मकारा के सदर जमात ने कहा आमदियत ही असल इस्लाम है हम लोग तो जाहिल थे नमाज तक ना जानते थे आमदियों ने हमें इस्लाम सिखाया हमें मसाजत दी हमारे बच्चों को दीन सिखाया अगर कोई पूछे कि अहमदियत ने हमें क्या दिया है तो मैं कहूँगा कि खुदा दिया है और मरते दम तक हम इस पर कायम रहेंगे बसाज खिलाफत आमदिया की बरकत से इन महरूमों को खुदा ताला मिल रहा है और नई जिंदगी अता हो रही है आज सारी दुनिया में जमात आमदिया को एक मुनफरद और मुमताज़ आलमी तशख हासिल है आज आलम इस्लाम इस रुव ज़मीन पर यह वाहिद जमात है जिसमें आसमानी खिलाफत का निज़ाम जारी है आज आलम इस्लाम में चारों तरफ नज़र दौड़ाएँ तो सवाए एक वजूद के और कोई ऐसा वजूद नहीं मिलता जो आलम इस्लाम के लिए बनी नो इंसान के लिए रातों को उठ कर अपने हजब के हजूर तड़पता हो आहोबका करता हो और हर एक के लिए खैर और बुराई मांगता हो हजरत के फतलमसी खामिश अदा ती बसी फरमाते हैं कौन सा दुनियावी लीडर है जो बीमारों के लिए दुआएं भी करता हो कौन सा लीडर है जो अपनी कौम की बचियों के रिश्तों के लिए बेचैन और उनके लिए दुआ करता हो कौन सा लीडर है जिसको बच्चों की तलीम की फ़िक्र हो फिर हजूर फरमाते हैं दुनिया का कोई मुल्क नहीं जहाँ रात सोने से पहले चश्मे तस्वूर में मैं ना पहुँचता हूँ और उनके लिए सोते वक्त भी और जागते वक्त भी दुआ ना हो ये मैं बातें इसलिए नहीं बता रहा कि कोई एहसान है ये मेरा फ़र्ज़ है अल्लाह ताला करे कि इससे बढ़कर मैं फ़र्ज अदा करने वाला बनूँ क्यूबा जमात के एक नोम अली अलीबानी साहब जो कि अब वहाँ जमात के सदर भी हैं बयान करते हैं कि इम साल फरवरी 2021 में एक दिन मिशन हाउस से जाते हुए मिशन हाउस जाते हुए मेरी मोटरसाइकिल को एक बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया उस वक़्त मैं हज़रत मसीह माउद सलाम और खुलफाए हमदत की तस्वीर फ्रेम करवाकर मिशन हाउस में लगाने के लिए जा रहा था कि मोटरसाइकिल फिसल गई और मैं एक बहुत ही मसरूफ़ सड़क के दरमियान जा गिरा मौत मेरे सामने थी मैं अपने बाएँ पाँव पर गिरा जिससे टखने की हड्डी टूट गई और एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे हाथ से टकरा कर रुकी जिसे मैंने अपने तहफ़ के लिए आगे बढ़ाया हुआ था वो गाड़ी मुझे कुचल सकती थी अल्लाह ताला ने मुझे मौत से बचा लिया हस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद कहा मुल्क में तिब्बी बहरान की वजह से अद्वियात में असर नहीं हैं, इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सकता दूसरी तरफ मेरी पिंडली और टकने की हालत बिगड़ती जा रही थी और डॉक्टर ने बगैर ऑपरेशन के ही खाली प्लस्तर लगा दिया उस वक़्त मायूसी की हालत में मैंने अपने बहुत ही प्यारे खलीफा को अपनी सेहत के लिए भरपूर यकीन के साथ ख़त लिखा और यही मेरी आखिरी उम्मीद थी ख़त लिखने के बाद मुझे महसूस हुआ कि उसी रात हजरत रबील मौमिनी ने मेरे लिए दुआ की है और अगले दिन मायने के लिए आने वाले डॉक्टर ने खुश होकर मुझे बताया कि हड्डी खुद ब खुद अपनी जगह पर आ चुकी है ये हमारे लिए किसी मोज़ा से कम ना था कि किस तरह हजूर की दुआ के तफैल तो हड्डी बगैर ऑपरेशन और बगैर अद्वियात के जुड़ गई थी ये नोमबाई दोस्त कहते हैं कि बिलाशुबा खलीफा वक्का बरकत वजूद बहुत बड़ी नमत है जो रातों को जागता है ताकि जमात के लिए और गलब इस्लाम के लिए दुआएँ कर सके अल्लाह ताला ने खिलाफत की नमत अदा फरमा कर मुसलमानों पर यकीन बहुत अजीम एहसान फरमाया है फिर माली की एक मकामी जमात डूगा बोगो के सदर साहब ने बताया कि उन्होंने एक दफ़ा जमाती मीटिंग के सिलसिला में करीबी शहर सीगो आना था और मकामी जमात के लोगों ने उन्हें हजूर अनवर की खिदमत में भिजवाने के लिए दवाज़ा खतूत दिए वो कहते हैं कि मैंने वह खतूत दे दिए और वापस आ गया चंद दिन के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर ने मुझे मुखातब करके फरमाया कि वो खतूत जो तुमने मुझे भिजवाए थे मैंने उनके लिए दुआ की थी और एक वो ख़त जो रह गया था उसके लिए भी दुआ की थी वो कहते हैं कि जब मैं उठा तो मुझे ख्वाब की समझ नहीं आई और मैं अपने रोजमर्रा के कामों में मशगूल हो गया चंद दिन बाद जब मैं अपने कमरे से कागजात की सफाई कर रहा था तो मुझे एक लफाफा मिला जिसमें एक ख़त था जो किसी मेंबर ने हुजूर को दुआ की गरज़ से भिजवाने के लिए दिया था लेकिन वो ग़लती से रह गया था सदर साहब कहते हैं तब उन्हें वो ख्वाब याद आई कि यही वो खत था जिसके बारे में ख्वाब में हजूरी अनवर ने इशारा फरमाया था कि मैंने इसके लिए भी दुआ की थी ऐसे वाक़ कसरत से होते हैं कि अभी हजूरी की खिदमत में दुआ के लिए किसी बीमारी मुसीबत दुख तकलीफ़ या परेशानी से निजात के लिए खत लिखा ही होता है और अभी पोस्ट भी नहीं किया जाता खलीफा वक्त की दुआ खत लिखने वाले के हक़ में कबूल हो जाती है हजरत मुसलह माउद रजील तनों ने फरमाया था जमात आमजिया के खलीफा की हैसियत दुनिया के तमाम बादशाहों और शहनशाहों से ज्यादा है जमात आमजिया के खलीफा की हैसियत दुनिया के तमाम बादशाहों और शहनशाहों से ज्यादा है वो दुनिया में खुदा और सूल करीम अलैहि वसल्लम का नुमाइंदा है पर्स खिलाफत हमजिया के ज़रिए खुदा और उसके रसूल के नुमाइंदा की हैसियत से एक बड़ा शान इंकलाबी काम जो इस दौरे मुबारक में हुआ वो ये है कि दुनिया के बड़े बड़े ईवानों में हजूर ने दुनिया के सरकर्दा हुकाम के सामने बड़ी जरत और शुजात के साथ इस्लाम की अमन सलो क्या तलीम और इस्लाम की हकीकी तालीम पेश हज़रत तकदस मसीह माउद इस्लाम का पैगाम पहुँचाया कैपिटल हिल अमरीका में हजूर ने खिताब फरमाया यूरोपियन पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में न्यूजीलैंड पार्लियामेंट में मिलिट्री हेडकोर्टर जर्मनी में फिर सिंगापुर आस्ट्रेलिया जापान और कैनेडा में ऐसी तकरीबा मनकद हुई फ्रांस में अवी मतदा के इदारे यूनीस्को में बर्लन जमनी में तकरीबा मुनकद हुई जहाँ बड़ी तादाद में मम्बरान पार्लियामेंट और दीगर अला हकाम और स्काल शामिल हुए इन तमाम तकरीबा में हजूर अनुमान ने इस्लाम का अमन का पैगाम दुनिया के इन लीडरों सरबराहों और हुकूमतों को दिया है और इस बात की तरफ तोजो दिलाई कि इस्लाम के इस अमन के पैगाम को अपनाते हुए और दूसरों के हकूक़ अदलो इंसाफ से अदा करते हुए दुनिया को तबाही से बचा सकते हो हजूर अनवर ने इस मादी दुनिया के एक बहुत बड़े और ताकतवर ईवान कैपिटल हिल में खिताब करते हुए फरमाया इस्लाम हमसे यह चाहता है कि हम कभी भी दूसरों की दौल की तरफ हसद और लालच की नज़र से ना देखें इस्लाम ये चाहता है कि तरक्की याफ्ता अपने मफादात को एक तरफ रख गरीब और कम तरक्की याफ्ता याफ्तम की दरहकत बेगरजाना मदद और ख़दत करें अगर इन तमाम असूलों की पाबंदी की जाए तो दुनिया में हकीकी अमन कायम हो जाएगा हर जगह हर मौका पर इन सरकर्दा अफराद ने इस बात का खुलकर बरमला इजहार किया कि अगर आज कोई वजूद दुनिया को तबाही से बचाने के लिए करिया करिया मुल्क मल्क अमन के लिए कोशाँ है तो जमात आमजिया के खलीफा हज़रत मिर्ज़ा मसूर अहमद साहेब हैं इंडिया में बुकफेयर के मौका पर एक गैर जमात जमार्थ दोस्त जमात स्टॉल पर आए और कहने लगे बेशक दूसरे मुसलमान आप लोगों को काफिर या दायरा इस्लाम से ख़ारिज समझते हैं मगर इमाम जमात आमजिया ने दुनिया के बड़े बड़े रहनुमाओं के सामने जिस तरह इस्लाम को पेश किया है इस तरह आज तक किसी मुसलमान बादशाह या आलम दीन को भी तोीक नहीं मिली खुदा तौर जरूर आप लोगों की मदद करेगा हजूर अनवर ने बाईस अक्टूबर दो हज़ार उन्नीस को बल्लर में एक तरीकी खिताब फरमाया जिसमें बड़ी इतदाद में मंबरान पार्लियामेंट और दीगर अला हकाम शामिल हुए इस मौका पर जमन पार्लियामेंट के एक मैंबर बेटीना मोल ने कहा इमाम जमात आमजिया के खिताब से भी अमन की खुशबू आती है और आपके वजूर में भी अमन सलामती और सच्चाई की तासीर थी जो दुराने प्रोग्राम सारे माहौल में मुझे महसूस होती रही फिर यूनाइटेड नेशन के इदारा यूनेस्को में हजूर ने एक तारीख़ी किताब फरमाया वहाँ माली से यूनेस्को के एम्बेसडर उमर तो कायता साहब ने अपने ख्याल के अदहार करते हुए कहा कि इमाम जमात आहदिया वह नजर शख्सियत हैं और अमन के क्याम के लिए कोशा हैं और यही वो चीज़ है जिसकी उम्म मुस्लि को ज़रूरत है आलमी इंसाफ हम आहंगी का दो तस्वुर इमाम जमात आमिया पेश करते हैं दुनिया को इसकी अशद ज़रूरत है और आज उम्मत मुसलम को ऐसे ही लीडर की जरूरत है आज मैं एक ऐसे इंसान के करीब था जो अमन व इंसाफ का सबूत है फिर खुदा और उसके रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला वसम और आपके आश के सदक हजरत मसीह इस्लाम के खलीफा ने इस्लाम के हसीन चेहरा पर जो दहशतगर्दी इंतहा पसंदी और शिद्दत पसंद मतलब होने का दाख है इसको दोया है इस्लाम का खूबसूरत चेहरा गैरों के सामने पेश किया है मुख्तफ तकरीबा के डसीज हों प्रस कॉन्फ्रेंस हों इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के इंटरव्यूज़ हों सरकर्दा अफराज से मुलाकातें हों हर जगह हजूर अनवर ने इस्लाम का दिफा करते हुए इस्लाम का खूबसूरत चेहरा दिखाया है और गैरों ने इस बात का बरमला इजहार किया है कि आज हमें इल्म हुआ है कि इस्लाम कितना पुरन और ख़ूबसूरत मजहब है जापान के एक प्रोग्राम में एक मशहूर वकील ने बरमला इस बात का इजहार किया कि आज हमने इस्लाम का एक खूबसूरत चेहरा देखा है और इस यकीन पर पहुंचे हैं कि अगर दुनिया किसी एक मामला पर जमा हो सकती है तो वो जमा तमजिया के इमाम का ही हाथ हो सकता है न्यूजीलैंड की एक तकरीब में शामिल होने वाले एक भाई दोस्त ने कहा आज तक मेरा इस्लाम के मुतलक इंतहाई बुरा तसर था मैं जो कुछ मीडिया पर देखता था उस पर यकीन कर लेता था खिलीफतलमसी का खतब सुनकर अब मेरी राय मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गई है आज आलम इस्लाम खिलाफत के क्याम के लिए बेचैन नज़र आता है आम मुसलमान ही नहीं बल्कि तमाम दानिश्वर और साहब इल्म भी इसके लिए अपनी तमन्ना का इजहार करते रहते हैं रोजमान वाय वक्त पाकिस्तान के कालिम नगार लिखते हैं इस वक्त आलम इस्लाम का कोई लीडर नहीं इस सूरत हाल में अल्लाह ताला ही से दुआ की जा सकती है कि वो आलम इस्लाम को क्या अता फ़रमाए जिस तरह मुसलमान बारिश न होने पर नमाज इसत अदा करते हैं इसी तरह तमाम दुनिया के मुसलमानों को एक रोज़ नमाज क्यादत अदा करनी चाहिए और अल्लाह ताला से रो रो कर दुआ करनी चाहिए कि वो उन्हें मुखलिस लीडरशिप अता फ़रमाए फिर मुदीर सला तंजीमीस लाहौर लिखते हैं अगर ज़िंदगी की आखिरी लम्हा में भी एक दफ़ा खिलाफत अलामहाज नब का नज़ारा नसीब हो गया तो हो सकता है कि मिलत इस्लामिया की बिगड़ी समर जाए आलम इस्लाम की यह बेकरार तमन्ना मुख्तलिफ शक्न दारती रहती है और मतदीद अदवार में खिलाफत के क्याम की कोशें भी होती रहीं लेकिन हर मरतबा खुदा तला ने इनके इरादों और मनसूबों को खिलाफत आम दिया जो खिलाफत अलाज नबूआ है और खुदा तला की कायम करता है उसके मुकाबिल पाश पाश कर दिया हजरत खिलतमिद्ल तसीज़ ने इन मुखालफिन को चैलेंज देते हुए फरमाया अब खिलाफत सिर्फ़ और सिर्फ ख़ातमा मसीह मादी माऊदल की खिलाफत ही की शक्ल में मुमकिन है हजूर ने फरमाया हमारी तरफ़ से चैलेंज है कि अगर मुस्लिम दुनिया के तमाम मालिक सरबराहान और मुस्म के तमाम अफराद मुतफिका तौर पर किसी एक शख्स को बतौर खलीफा तस्लिम कर लें और उसकी बैत में शामिल हो जाए तो जमात अहमदिया भी इस खलीफा को तस्लीम करने और उम्मत के बाकी मसाला के साथ इसकी बेत करने पर जरूर गौर करेगी फिर हजूर ने फरमाया लेकिन तुम वैसा नहीं कर सकोगे नहीं कर सकोगे ऐसा तुम कर ही नहीं सकते दियारतलीसाद ख अम्जिया के झंडे तले जमात अमदिया दिन ब दिन तरक्यात की नई से नई मुनाजिल तय करती चली जा रही है और हर आने वाला दिन फतूहत की नवीद लेकर तलु होता है इम साल पाँच जून को हजूर अनवर अदा तिन अज़ीज़ ने कबाबी जमात की एक ऑनलाइन विचुअल मुलाकात में फ़रमाया अल्लाह ताला के फजल से जमात की जो तरक्की हो रही है और जमात जिस तरह फैल रही है हर मुल्क में और हर मुल्क के कई शहरों में जमात की तादाद बढ़ रही है और जमात का तारुफ हो गया है और दुनिया के बड़े बड़े ईवानों में भी जमात का तारुफ हो गया है तो हमें उम्मीद है जूर फरमाते हैं तो हमें उम्मीद है कि जल्द इन आइंदा बीस पच्चीस साल जमात की तरक्की के बहुत अहम साल हैं और आप देखेंगे कि अक्सरियत इन श मसीह माउद इस्लाम के जंडे तले आ जाएगी या कम अज कम मुसलमानों में से अक्सरत ऐसी होगी जो ये तस्लीम करने वाली होगी कि अमज ही यकी इस्लाम है हजूर ने फरमाया इन दिन आएगा जब उमत मुस्लिम मसीह इस्लाम के जंडे तले खाना काबा में दाखिल होगी आखिर पर हजरत खिफत अयल त नजीर के एक इशात पर अपनी गुजारशात ख़त्म करता हूँ हजूर फरमाते हैं बस अगर आपने तरक्की करनी है और दुनिया पर गालीब आना है तो मेरी आपको यही नसीहत है और मेरा यही पैगाम है कि आप खिलाफ से वाबस्ता हो जाए इस हबलुल्ला को मजबूती से थामे रखें हमारी सारी तरक्यात का दारो मददार खिलाफत से वबस्ती में ही पना है बस आज हम लोग कितने नसीब हैं कि हर रोज़ अपनी आँखों से अपने प्यारे आका हजरत अमीरमोमिन तला बिन अजीज की अजीम की में इस्लाम की तरक्की और फ़तुहात के नज़ारे देख रहे हैं और रोज़ देखते हैं बस उठें और अपनी हर मादी रूहानी तरक्की के लिए खिलाफत के कदमों में अपना सर रख दें इसी में हमारी कामयाबी की जमानत है इसी में हमारी ज़िंदगी है इसी में हमारी बका है अल्लाह ताला हमें इसकी अता फ़रमाए आमीन अल्लाह आमीन